ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें कस्बा छाता की हैं, जहां दबंगों ने एक नाबालिग किशोरी को छत से नीचे फेंक दिया। छत से नीचे गिरते हुए किशोरी की वीडियो पासी लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल छाता क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंग आए दिन इलाका पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। दरअसल छाता के रहने वाले प्रेमपाल जेसीबी चलाते हैं। उनके पास किसी अनजान नंबर से फोन आया, जिसमें फोन करने वाले युवक ने उनसे पूछा कि आप घर पर हैं या नहीं। उसके बाद तीन बाइक सवार युवक उनके घर पर आए और घर में घुसकर महिला और बच्चों से मारपीट करते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंच गए, जहां उन्होंने दूसरी मंजिल से एक नाबालिग किशोरी को नीचे फेंक दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तीन दबंग बाइक से आए और अंदर घर में घुसे, जिसके बाद ऊपर छत से किशोरी के गिरने की तस्वीर दिखाई देती है। मारपीट कर तीनों युवकों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन तभी आस पड़ोस के लोगों की मदद से तीन में से दो युवकों को मौके पर ही दबोच लिया गया। वहीं नीचे गिरी युवती को परिवारी जन आनंद फानन में छाता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराते हैं, लेकिन किशोरी की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने किशोरी को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वहीं इस मामले में परिवारी जनों ने बताया कि युवकों के पास से दो मोबाइल और बाइक बरामद कर पुलिस को सौंप दी गई हैं। वहीं छाता पुलिस ने तीनों युवकों में से दो को गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल सिंह। प्रेमपाल कहाँ के रहने वाले? नई तहसील के सामने ईदगाह के पास। तो बताएं छाता थाने में क्या घटना हुई है? ये एक रात को 8:12 पे एक कॉल आई मुँह पे कि ऐसे तुम कहाँ रहते हो, कौन बोल रहे हो? मैंने प्रेमपाल जी से बार बोल लो, और फिर बोले कि अभी आ रहे हैं हम। तीन लोग आए के तुरंत ही घर में घुस के मारपीट शुरू कर दी, और माई लड़की दूसरी मंजिल पे तो नीचे गिर गई, और मारपीट के भाग गए, और थाने में रात हुआ है। हमारी अभी कोई FIR दर्ज नहीं हुई। प्रशासन का क्या नाम है? ब्रजलता। कितनी उम्र रही होगी? करीब 17 साल। बाकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। तो वो आपको कैसे जानते थे? मैं खुद ना जानू उन्हें, कहाँ के रहे बारे बिहार के कहिए, जबकि हमें पुलिस से खुद पकड़वा खिलाए रात को। तो एक है, एक रनवारी से पकड़ो सुबह, और एक अब एक है ये पेट्रोल पंप पे गौतम रही है कोई, वहां को लड़का है। अच्छा, पुलिस ने अब कई लोगों को अरेस्ट किया है? दो लोग हैं अभी। तो उनसे कुछ और बरामद हुआ है पुलिस ने, जो मोटरसाइकिल या कुछ? एक मोटरसाइकिल है पल्सर, वो हमने ही दी है पुलिस है, और दो मोबाइल पुलिस है दे दिए। तो लड़की अब फिलहाल कहाँ है, क्या स्थिति बनी हुई है? ये गोयल हॉस्पिटल में कोसी, बाकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, पैर वगैरह में चोट है। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश कहाँ के रहने वाले? छाता। तो बताएं छाता थाने आप आए हो, क्या घटना हुई है? ये सर, कल रात्रि लगभग 8 बजे करीब एक लड़की का फोन आया था हमारे पापा के पास कि भाई तुम कहाँ से बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? तो हमारे पापा ने कहा मैं नई तहसील छाता से बोल रहा हूँ। वो लगभग 1 साल से हमारी छोटी बहन को परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे पापा से बात करके अभद्र गालियाँ देने लगे। जब पापा ने हमारे ने इसका विरोध किया, तो वो घर पर आकर के हमारे बीवी बच्चों से उन्हें आते ही मारपीट और गाली गलौज करना शुरू कर दिया, और तीनों लड़के पल्सर बाइक से आए हुए थे। इसके उपरांत एक लड़का अंदर बंद कर लिया, और दो लड़कों ने हमारी छोटी बहन को गोदी में उठाकर ऊपर छत पर ले गए, और तीन मंजिल ऊपर से उसको गिरा दिया पहचान छुपाने की वजह से, जिससे लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और सिर में भी गंभीर चोटें हैं। अच्छा, नाम क्या था आपकी बहन का? ब्रजलता। कितनी उम्र रही है? लगभग 18 वर्ष। तो आपने फिर FIR की थाने में? FIR के लिए हम रात को भी आए थे, तो इंस्पेक्टर साहब ने हमसे सुबह की कहा था, अब हमने तहरीर दे दिए, अब देखो क्या कार्रवाई करते हैं पता चलता। अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है अभी। अच्छा, पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया इसमें? इसमें पुलिस ने इतनी कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं करी है, बल्कि हमने ही अपनी मेहनत से उनको पकड़ा है, घर पर जा करके उसका पता लगाया। दो मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है हमारी द्वारा, इनके लिए नहीं है। तो कहाँ के रहने वाले मुलजिम? वो हाल निवासी RPL होटल के पास रहते हैं, वैसे बिहार के रहने वाले हैं। तो आपको कैसे जानकारी हुई? ये हमारे पास फ़ोन पहुँचा है घर से, ऐसे से बात हो गई, जब उसके बाद हम आए, इतने में ये लोग मौके से फरार हो गए। अब स्थिति क्या है आपकी बहन की? वो हॉस्पिटल में भर्ती है, स्थिति उसकी नाजुक बनी हुई है।